प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल में हम कुछ कवियों का अध्ययन कर रहे हैं और रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों की बातचीत हो रही है, जिसमें हम केशव को पढ़ चुके हैं। एक बात मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि रीतिकाल के कवियों को पढ़ते समय या आगे चर्चा करते समय उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से कौन सा ग्रंथ विशिष्टांग निरूपक है या कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक है। कहने का मतलब यह है कि कौन से ग्रंथ में काव्यांगों के सभी अंगों का चित्रण हुआ है और कौन सा किसी विशेष काव्यांग को लेकर लिखा गया है। यह एक सूची हमने पहले बना दी थी, एक वीडियो मैंने बनाया था रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें वो सूची और सारी रचनाएं मिलती है आपको। दूसरा यह है कि इसमें हम जब केशव के बाद में रचनाकारों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ को क्रम आदि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि क्रम का अगर प्रश्न आपको आता है और पूछा जाता है तो मुख्य मुख्य कवियों का क्रम मैंने पहले ही बता दिया था, शायद केशवदास के वीडियो में है, वो एक स्लाइड मैंने बनाई थी कि इन कवियों का रचनाकाल आप याद कर लें, इन कवियों को अपने दिमाग में क्रम से जमा लें ताकि नेट आदि के पेपर में पूछा जा सकता है, स्कूल व्याख्याता में या ऐसी सामान्य परीक्षाओं में रीतिकाल से क्रम के प्रश्न नहीं आते, आधुनिक काल से ही आते हैं। तो यहाँ हम पहले कवि सेनापति को पढ़ रहे हैं। सेनापति की चर्चा भक्ति काल के संदर्भ में भी हुई थी। सेनापति के बारे में मुख्यतः तीन या चार बातें पूछी जाती है, ये सब सामान्य बातें आप इनको देख लें, गुरुवादी का नाम। एक तो कवित रत्नाकर इनकी रचना है, 1649 में ये लिखी गई और कवित रत्नाकर 5 अध्यायों में है, 5 तरंगों में कहा गया है इनको, अध्यायों को तरंग कहा गया है। पहले दूसरे तीसरे अध्याय में रीति निरूपण है, यानी काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का चित्रण है, और चौथे व पांचवें अध्याय में राम कथा है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। रीतिकाल में सर्वाधिक मार्मिक ऋतु वर्णन सेनापति ने किया और श्लेष की योजना में इनकी समता करने वाला केशव को छोड़कर कोई दूसरा कवि नहीं है। आप यह बात ध्यान रखें कि यहाँ इनके बारे में पूरी स्लाइड में मुख्यतः मुझे 3 बातें नजर आती है, आप थोड़ा सा छांटना सीखें। बहुत सारी बातें नोट्स में ऐसी भी देनी पड़ती हैं जो खाली औपचारिकता में होती है। सेनापति के बारे में 3 बातें पूछी जा सकती है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है और श्लेष की क्षमता में नगेंद्र ने जैसे एक मैंने कोटेशन भी दिया है इसमें, और दूसरा ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है रीतिकाल में, और तीसरा कवित रत्नाकर ग्रंथ है वो 5 तरंगों में है, और ये इनके छंद आदि भी मैंने भक्ति काल में आपको बताया था, और राम कथा में भी इनका जिक्र होता है, तो काफी इस संदर्भ में ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एक ग्रंथ और भी है काव्य कल्प ध्रुव, लेकिन वह अनुपलब्ध है, तो आप इनका इस रचना को आप चाहे याद नहीं करें, एक ही रचना याद कर ले। एक मैं चर्चा करना चाहता हूँ, एक विद्यार्थी का आज फोन आया था और उन्होंने यह समस्या रखी कि एक उनके जो अध्यापक हैं वो उनको केवल रीतिकाल के 7-8 कवि ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो भी अध्यापक उनको पढ़ा रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका अपना दृष्टिकोण होगा और वो जब पढ़ा रहे हैं तो सोच समझ कर ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार हम इसके लिए थोड़ी सी, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ें, कम पढ़ने का या शॉर्ट पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है, उसके दुष्परिणाम आते ही आते हैं। अगर कोई विद्यार्थी बहुत शॉर्टकट अपनाता है तो निश्चित रूप से बहुत खराबी उनके लिए आगे हो सकती है। तो अब जैसे मैंने उनको एक उदाहरण भी दिया था कि आप अगर 7-8 कवियों को भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवि आपके अध्ययन की परिधि से बाहर हो जाएंगे। जैसे एक रचना मैंने उनको बताई थी कि कवि पुरकंठा भरण है, वो दुल्हे कवि की रचना है। अब यह रचना मैंने नेट की परीक्षाओं में कई बार देखी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हालांकि सवाल केवल इतना आता है कि कवि पुरकंठा भरण किसकी रचना है, तो दुल्हे की है। अब इसके अलावा दुल्हे का और कुछ याद नहीं करना है, लेकिन यह रचना तो याद करनी पड़ेगी। अगर आप केवल यह विकल्प चुनते हैं कि आप केवल 7 या 8 कवियों को ही पढ़ेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे, तो यूं छोड़ देने का कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें स्कूल व्याख्याता के दृष्टिकोण को लेकर तो मुझे लगता है कि ये PPT जो हम बना रहे हैं यह पर्याप्त है। तो आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और मैंने कुछ विद्यार्थियों को बताया था कि ये नोट्स आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन नोट्स अभी अपडेट नहीं है, तो बहुत से विद्यार्थी कहते हैं आप ये नोट्स हमें प्रोवाइड कराइए, तो मैं उनको एक नंबर देता हूँ, वहाँ ये नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप नोट्स ये न लें तो ठीक है, आप PPT से नोट्स बनाएं, क्योंकि जहाँ मैंने नोट्स छोड़ रखे हैं वहाँ अभी थोड़े अपडेट नहीं है, और धीरे धीरे जैसे यह पूरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास तब यह शायद नोट्स पूरे होंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद ही संभव है। तो आप इनको नोट कर लें कहीं ना कहीं, तो आप
जितने कवि मैं करवा रहा हूँ उनको पूरा पढ़ें और उतना तो कम से कम याद करें। इसके बाद में चिंतामणि की बात आती है। चिंतामणि की चर्चा हमने काव्य प्रवर्तक या रीति काव्य प्रवर्तक को लेकर हुई थी और शुक्ल के अनुसार ये चार भाई थे, भूषण, मतिराम, जटाशंकर और चिंतामणि। इनमें सबसे बड़े भाई है वो चिंतामणि थे। और अगर ये दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, पहला प्रश्न यह है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन है, तो केशव है। लेकिन शुद्ध रूप से सर्वांग पूर्ण रचना करने वाले प्रथम आचार्य अगर पूछ लिया जाए तो चिंतामणि है। कवि कुल कल्पतरुण की ऐसी रचना है और यह काव्य प्रकाश के आदर्श पर लिखी गई और सर्वांग पूर्ण रचना है। यह सर्वांग मैंने अधूरा लिखे छोड़ दिया, आप इसको देख लें, हालांकि वहां भी चर्चा हुई होगी। श्रृंगार मंजरी है वो नायक नायिका भेद की है और भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है और काव्य प्रकाश और मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुवाद है। चिंतामणि की चर्चा है वो ज्यादा मुझे लगता है कवित्व के दृष्टिकोण से नहीं है। चिंतामणि की चर्चा है वो अधिकतम प्रवर्तक के रूप में होती है। इसके बाद में कवि कुल कल्पतरु को लेकर बातचीत होती है, कभी कभी यह रचना पूछी जाती है। काव्य प्रकाश नहीं पूछी जाती क्योंकि काव्य प्रकाश मम्मट की है। अगर रचना पूछी जाए काव्य प्रकाश तो वही पूछी जाती है, यह उनका अनुवाद है। तो रस विलास, काव्य विवेक, छंद विचार, कवित विचार भी इनकी एक रचना है, श्रृंगार मंजरी भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछी जाने वाली रचना है वो कवि कुल कल्पतरु है। अब कई बार विद्यार्थी यह कहता है कि कौन सी रचनाओं को याद करें। अगर आप नए हैं तो आप पहले क्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं को याद कर लें, अगर वो सारी याद हो जाती है फिर दूसरे क्रम में अन्य अन्य रचनाओं को भी याद किया जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निक इसमें अपनाएं क्योंकि धीरे धीरे आगे डाटा है वो बढ़ता जाएगा और विश्लेषण या चर्चा की बात है वो कम होती जाएगी। इन्होंने अपने काव्य में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी रखा है, यह रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं, नोट्स में नहीं है जो मणिमाल नाम इन्होंने, यह पंक्ति जो मैंने लिखी है एज इट इज उठाई है, इन्होंने अपने काव्य में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी रखा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।